शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फोन नंबर तुम्हारा और बज रहा तुम्हारे हाथ में, तो विभीषण तो तुम ही हो ना बहू। पापा जी, मैं तुलसी धाम का प्रोजेक्ट क्यों रोकूंगी? मैं तो उसकी चेयरमैन बनने वाली थी ना। लालच, आधा मिले तो जी ललचाए, पूरा पाने को दौड़ा जाए। तुमने सोचा कि त्रिगुण सोलंकी को ही रास्ते से हटा दूं तो घर के मालकिन भी मैं और जमीन के मालकिन भी मैं? लेकिन लालच तो बुरी बला है ना बहू। पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, पापा जी मेरा यकीन कीजिए, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। जिंदा रहना चाहती हो तो स्वीकार कर लो कि तुमने डीएसपी को फोन किया था। कुछ कहते क्यों नहीं ने? कुछ कहिए ना पापा। वो अंगद बेटे, दोबारा से घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारी पहली पत्नी के नाम के आगे तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है स्वर्गीय। बाबूजी तो कभी कोई मिस्टेक नहीं करते, फिर उनसे ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो रहा है? जेठानी जी, ये देवरानी को दुख देने की सजा है। डीएसपी को फोन मैंने किया और फंस गई आप। पर ये हेरा फेरी की किसने? सठे साख्यम समाचरित, अर्थात जो जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। देवी मुक्ता त्रिगुण सोलंकी का साथ देने में सबसे आगे थी। वो त्रिगुण के हर षड्यंत्र में सहायक थी, इसीलिए उनके कर्मों का उचित फल देने के लिए मुझे उनके विरुद्ध ये लीला रचनी ही पड़ी। डीएसपी साहब को फोन करते हो? डीएसपी गोपीनाथ स्पीकिंग। सर, आप गोरबा गांव में श्याम सुंदर जी के यहाँ जल्दी पहुंचिए, चार्ज पे लगा कर आती हूँ। अरे, मैं तो अपना फोन चार्जिंग में लगा के ही भूल गई। आप लोगों की नजरों में गिरकर और इस घर की अपराधी बनकर मैं मरना नहीं चाहती पापा जी। मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, मैं आपको यकीन दिला दूंगी कि फोन मैंने नहीं किया था। क्या कहते हो अंगद, दे दें एक और मौका बड़ी बहू को? मुझे कुछ नहीं कहना है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। जान तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जिंदगी देना तो सिर्फ दो लोगों के हाथ में है, एक भगवान और दूसरा त्रिगुण सोलंकी। जाओ, जाओ, माफ किया तुम्हें, लेकिन जो पाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना पड़ेगा। छोटी बहू, क्या बनना चाहती थी तुम्हारी भाभी? बाबूजी, वो चेयरमैन, चेयरमैन बनना चाहती थी। अब चेयरमैन तो तुम नए बन सकती, लेकिन हाँ, टेबल चेयर जरूर साफ कर सकती हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ तुम्हें, मन लगा के घर की साफ सफाई करना, क्योंकि दिमाग हो या दीवार, चाले कहीं भी अच्छे नहीं होते। अब आएगा मजा जब फ्यूचर चेयरमैन बनेंगी घर की नौकरानी। केवल अधर्म करने वाले ही नहीं, अपितु अधर्म का साथ देने वाले भी उतने ही बड़े अपराधी होते हैं। इसीलिए कर्ण दोषी था, इसीलिए द्रोणाचार्य दोषी थे। वे अपने धर्म पर अटल थे, पर अधर्म के साथ थे, इसीलिए मैंने लीला रची थी।
कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के वध की, और आज भी मैंने इसीलिए लीला रची है त्रिगुण तुम्हारे परिवार में। अब उसके अपने ही उसके शत्रु हो जाएंगे और आरंभ होगा त्रिगुण के अधर्म के अंत का। और इस लीला में मेरी सबसे बड़ी सहायक होगी मेरी सखी तुलसी। माधव, हर एक पेपर को ना अच्छे से पढ़ना। ऐसा कोई भी पेपर जो तुलसी धाम से जुड़ा हो छूटना नहीं चाहिए। पहले कोई पेपर मिले तो सही। लतिका, तुम बात बात पे हंसती क्या रहती हो? रजिस्ट्रार कोई भी पेपर मांग सकता है, किसी भी पेपर की डिमांड कर सकता है, इसलिए तैयारी ना पूरी होनी चाहिए। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और मैं भी हूँ। और पिछले 2 घंटे से तुम दोनों ऐसा एक भी पेपर नहीं ढूंढ पाए जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि तुलसी धाम हमारा है। कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग प्रूफ। बाबा को भी अभी द्वारका जाना था। मुझे कुछ मिला है, देखो शायद तुम्हारे किसी काम का हो। लतिका, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई वेद पुराण लिखी हुई पांडुलिपि नहीं। तुलसी, एक बार देख तो लेते हैं उसमें क्या लिखा है। हाँ, ताकि हम यहाँ पर वेद पुराण पढ़ते रहे और वहाँ रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद हो जाए। हमें कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए, क्योंकि बाबा लीगली तुलसी धाम उस त्रिगुण सोलंकी के नाम लिख चुके हैं और हमारे लीगल नोटिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टे ऑर्डर मिला है। ये साबित नहीं हुआ है कि तुलसी धाम हमारा है, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ढूंढना होगा। अच्छे से खोजो, कुछ तो मिलेगा। तुलसी, हाँ, तुलसी देखो मुझे ये वंशावली मिली है, अब इसमें शायद कुछ काम का मिल जाए। मातेश्री, ये वंशावली है, इसमें सिर्फ हमारे पुरखों का नाम होता है। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हम कुंभन दास की वंशज हैं, पर ये साबित नहीं हो पाएगा कि तुलसी धाम हमारे गुरु दादा कुंभन दास का था। इसके लिए हमें हमें कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पेपर चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि तुलसी धाम का मालिकाना हक हमारे गुरु दादा कुंभन दास के पास है। और अगर ऐसा कोई पेपर ना मिला तो? तो हम तुलसी धाम को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और तुलसी धाम को खो दिया तो इस बार बाबा पर जो बीतेगी वो उससे उभर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरे पापा तक की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओगे। मुक्ता, पापा जी जैसी बातें मत कीजिए। और मैंने किसी डीएसपी को कॉल वॉल नहीं किया, पता नहीं पापा जी ने सही गलत कॉल रिकॉर्ड कहां से निकाल लिया। ओ कम ऑन मुक्ता, मैंने कितनी बार खुद तुम्हारे मुंह से सुना है कि बाबूजी अगर मरते हैं तो मरने दो, जेल जाते हैं तो जाने दो। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ लेकिन मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनूंगा मैं। भगवान राम बनने की कोशिश मत कीजिए, वो त्रिगुण सोलंकी है, कोई राजा दशरथ नहीं। मुग्धा, गलती मेरी है कि बिजनेस के चक्कर में अपनी बीवी के ऊपर ध्यान देना भूल गया मैं, वरना आज तुम घर तोड़ने वाली मंत्रा नहीं बनती। आज मैं मंथरा हो गई, चेयरमैन से सीधा नौकरानी। ये सब इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है ना? तो ठीक है, आज मैं इस प्रोजेक्ट को ही तोड़ देती हूं।
घर तोड़ो या किसी का सर फोड़ो, लेकिन किसी का सपना कभी न तोड़ो। पापा जी, जिस सपने ने मुझे मुग्धा से मंथरा बना दिया, उस सपने का टूट जाना ही बेहतर है। पापा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अंगद बेटा, बीवी के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं हंस कर देना चाहिए। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे हो, लेकिन ये घर चलाने की पढ़ाई तो तुम्हें मुझसे ही सीखनी पड़ेगी। चलो जाओ, ध्यान रखना संपत। सरकार, एनओसी तो मिली नहीं तो तुलसी धाम मिलेगा या? सरकार, आपकी किसी जमीन पर नजर हो और वो आपके हाथ न लगे, ऐसो कभी हो सकते है सरकार? और तुलसी धाम उनका है, ये उनको प्रूफ करना है, आपको नहीं। और प्रूफ उनके पास कोई है नहीं। तो फिर चलो करो तैयारी रजिस्ट्रार के ऑफिस चलने की। जी सरकार। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमालू टीवी पर।